दोस्तों दुबई को दुनिया में ऐशो आराम और शानो शौकत के दूसरे नाम से जाना जाता है। फिर चाहे समंदर के ऊपर बसाया गया पाम आइलैंड हो या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, कमाल के आर्किटेक्चर और हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट्स दुबई के लिए कोई नई बात नहीं है। जब अथाह पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दुबई। यहाँ टेम्परेचर भले ही 45 से 50 डिग्री के बीच रहता हो, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ आप स्नोपात और स्की का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन सब कुछ पैसे के बल पर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ नजर आने वाला दुबई अंदर से पूरी तरह सूखा है। असल में ये बेहद हाई प्रोफाइल शहर पूरी तरह से रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पीने के पानी का कोई भी नेचुरल सोर्स अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए दुबई पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की एक आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। आज हम आपको बताएंगे कि दुबई आखिर इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए पानी का इंतजाम कैसे करता है। साथ ही ये भी समझाएंगे कि आने वाले वक्त में ये आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी हमारे देश भारत के लिए कैसे एक बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई के 7 अमीरातों में से एक है। इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे शहरों में शुमार किया जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बन चुके इस शहर का अपना एक ऐसा आकर्षण है कि दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन ऊपर से खुशहाल और संपन्न नजर आने वाला ये शहर अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। यहाँ पीने के पानी का एक भी कतरा मौजूद नहीं था, और तो और यहाँ बारिश भी पूरे साल में 5 से 10 बार ही होती है, जो शहर की पानी की परेशानी को दूर करने के लिए नाकाफी है। अब वैसे तो समुद्र के किनारे बसा होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन समंदर का पानी होता है खारा, जिसे पिया नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पी ले तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि दुबई आखिर पीने के पानी का इंतजाम आखिर करता कैसे है। तो दोस्तों दुबई के अंदर पानी को फिल्टर करने के लिए बहुत से बड़े बड़े डिस्टिलेशन प्लांट लगाए गए हैं, जिनकी मदद से समंदर के खारे पानी से नमक को दूर करके उसको पीने लायक बनाया जाता है। लेकिन सुनने में जितना आसान लगता है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दिन रात चलने वाले इन प्लांट्स को बेशुमार एनर्जी की जरूरत पड़ती है और खर्च बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इन प्लांट्स में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $60 से $65 यानी कि लगभग 45 से 100 रुपयों तक का होता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के लिए इतना ज्यादा खर्च झेलना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं, लिहाजा दुबई सरकार भी किसी ऐसे सॉल्यूशन की तलाश में थी जो इस खर्चे को कम कर दे, और फिर दुबई को ये सॉल्यूशन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के तौर पर हासिल हुआ। दोस्तों आप में से कई लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में तो पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो समझ लें कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम रूप से बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पानी से रिलेटेड अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कैसे करता है, और ये टेक्नोलॉजी आखिर किस तरह से काम में लाई जाती है, ये समझने से पहले हम आपको बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। दोस्तों सूरज की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती हैं तो फिर वो पानी गर्म हो जाता है और फिर वो भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है, इसलिए ये भाप ऊपर जाकर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। पानी की इन बेहद छोटी छोटी बूंदों को इंग्लिश में ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की प्योर फॉर्म होती है। पानी के ये ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। बेहद छोटी छोटी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हल्की भी होती है, और ये नीचे जमीन पर तब तक नहीं गिरती जब तक ये आपस में जुड़कर बड़ी बूंद का रूप ना ले लें। अब चूंकि ये पानी की प्योर फॉर्म है, इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़ती भी नहीं है, लेकिन जब इन ड्रॉपलेट्स से धूल या फिर धुएं के कण टकराते हैं तो फिर ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रह जाती और फिर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं। फिर जैसे ही इनका वजन बढ़ता है तो ये बूंदों की शक्ल में ग्रेविटी की वजह से नीचे जमीन पर गिरने लगती हैं, जिसे हम रेन या बारिश कहते हैं। गाइस ये तो था नेचुरल बारिश होने का कॉन्सेप्ट। अब अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को अमेरिकी साइंटिस्ट विल्सन शेफर्ड ने साल 1946 में डेवलप किया था। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ते हैं तो फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। ऐसा करने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जमीन से भी स्पेशल किस्म के जनरेटर की मदद से बादलों में भेजा जाता है। जब ये रासायनिक कंपाउंड बादलों में जाता है तो फिर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल देता है, जिससे बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों को आर्टिफिशियली रेन के लिए फोर्स करती है। अब हम आपको ये भी बता दें कि दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है। दरअसल दुबई सरकार ने दुबई की हजर माउंटेन्स
माउंटेन्स में खतर नाम का एक डैम बनाया हुआ है। जब समंदर से उठने वाले बादल हजर माउंटेन्स में जाते हैं तब दुबई उन बादलों में क्लाउड सीडिंग करता है और जब इस क्लाउड सीडिंग से पहाड़ों पर वर्षा होती है तो बारिश का वो पानी पहाड़ों के नीचे बहते हुए समुद्र में जाने की बजाय इसी खतर डैम के अंदर जमा हो जाता है। फिर इस जमा किए हुए पानी का इस्तेमाल दुबई न सिर्फ पीने के लिए करता है बल्कि इसके जरिए बिजली भी पैदा करता है। अब जहां डिस्टिलेशन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्च 4500 रुपए के आसपास आता है, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से ये काम सिर्फ 70 से 75 रुपए में हो जाता है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग यूं तो एक बहुत ही मददगार टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कई और भी हिस्सों में अच्छे कामों के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खामी ये है कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1955 से 1975 के बीच लड़े गए वियतनाम वार में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था एक खतरनाक वेपन के तौर पर। दरअसल अमेरिका की जंगी विमान हर साल मानसून के सीजन में बादलों में क्लाउड सीडिंग किया करते थे जिससे वहां पर तबाहतोड़ बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी मुसीबतें बढ़ जाती हैं और इस वजह से सारे रास्ते जाम हो जाते हैं जिसका असर वियतनाम की मिलिट्री सप्लाई पर पड़ता है जो अक्सर पूरी तरीके से ठप पड़ जाती है। अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोपाई नाम दिया था। अब अमेरिका यूं तो इस हथियार का निशाना सिर्फ वियतनाम की फौज को ही बनाना चाहता था लेकिन उसके इस्तेमाल से बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए थे, इसलिए साल 1976 में एक संधि की गई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि भविष्य में इस तकनीक का इस्तेमाल कोई भी देश युद्ध में नहीं करेगा और इस संधि पर कुल 78 देशों ने साइन किए थे जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और जापान जैसे देश भी शामिल थे। अब आखिर में ये समझ लीजिए कि ये क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है। असल में भारत के इस डर की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है, क्योंकि चीन का ये कहना है कि वो वेदर मॉडिफिकेशन की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने पर काम कर रहा है जिससे कि साल 2025 तक अपने देश के एक तिहाई मौसम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेगा। इस टेक्नोलॉजी को लेकर चीन इतना ज्यादा सीरियस है कि वो इसकी रिसर्च पर ही 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर चुका है। अब एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि अगर चीन अपने इस प्रोग्राम में कामयाब हो जाता है तो उसके वेदर कंट्रोल करने का निगेटिव असर हमारे देश पर भी पड़ेगा, खास तौर से कश्मीर और लद्दाख जैसे कई सारे इलाके इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा आशंका तो ये भी है कि अगर चीन के हाथ में मौसम का इतना बड़ा कंट्रोल आ गया तो फिर भारत के जो हिस्से चीन के बॉर्डर में लगे हुए हैं वहाँ पर चीन अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी बारिश करवा सकता है या फिर रुकवा सकता है। दोस्तों, हमने समझा होगा कि नेचर, प्रकृति अपने हिसाब से और एक पैटर्न के हिसाब से काम करती है। इतिहास गवाह है कि इंसान ने जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो फिर उसके बहुत भयंकर परिणाम सामने आए हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि मामला हाथ से ही निकल जाए। तो फ्रेंड्स, प्रकृति से खिलवाड़ और क्लाउड सीडिंग को लेकर आपका क्या मानना है? क्या इसे बंद कर दिया जाना चाहिए? पर क्या इस पर वैश्विक रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या वेदर को कंट्रोल करना मनुष्य जाति के पक्ष में होगा या फिर ये हमारे विरोध में चला जाएगा जिससे मानव जाति भी समाप्त हो सकती है? आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।